आज द्वादशी है और उसके पारण का समय है 6:46 से लेकर 10:12 तक। इसके अंदर अंदर अन्न चख लेना है, पारण का समय ये है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी शोदानंदम ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी सुमशला भक्ति विधान गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी सुमशला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विभिटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगा मई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार सब भक्तों की जय जयकार गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमरंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मप्रेमी हरि भक्तो व माताओं बालको बालिकाओं मेरी अपनी प्यारी आत्माओं आप सबका मंगल आरती में स्वागत है और पधारने के लिए धन्यवाद। एक बड़ी जरूरी समझने की बात क्या है, दुनिया में हम जितने भी जीव हैं या उधमपुर में हैं या जम्मू कश्मीर में हैं या हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ भी हम हैं, हमसे ऐसे जीव हैं
जो भगवान के चरणों में अपराधी हैं। हम लोगों ने क्या अपराध किया? हम लोग भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। जीव का एक गुण क्या है, एक उसमें गुण कह लो या क्या, कोई स्वतंत्र है वो। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी आप बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं, कुछ उठ के चले गए, स्वतंत्र हैं, बैठने वाले भी स्वतंत्र हैं, जाने वाले भी स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार हम सब स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूँ। मैं कहूँ मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, तो आप मेरे को बुला नहीं सकते। अगर आप, मैं कहूँ आप सब बैठ के सुनो, कुछ चले गए, मैं जबरदस्ती आपको बिठा नहीं सकता। इस स्वतंत्रता का हम लोगों ने दुरुपयोग किया, उसी के कारण भगवान से अलग हो गए, ये याद रखो। तो अभी हमें क्या करना है, ऐसे महान वैष्णवों की कृपा से इस स्वतंत्रता का जिसका हमने दुरुपयोग किया है, इसको सुधारना है। जीव स्वतंत्र नहीं है, हम परतंत्र हैं। अंग्रेजी में कहावत है, मैन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस। आदमी बहुत प्लान बनाता है अपनी अज्ञानता से, लेकिन भगवान उनको सबको मलिया मेट कर देते हैं। जैसे एक बार हमने बात सुनाई थी, एक व्यक्ति नास्तिक था, हिंदू था विदेश में, तो उसको प्रभुपाद जी की पुस्तक मिली। वो पुस्तक लेने के बाद उसने पढ़ी तो जीवन बदल गया उसका। ऐसी हमारी गुरु महाराज की पुस्तकें हैं। जब जीवन उसका बदल गया, उस भक्त को जिसने उसको पुस्तक दी थी, उसको मिला, कहता मैं अब ये प्लान कर लिया पुस्तक पढ़ने के बाद कि 6 महीने के बाद आपकी संस्था में आ जाऊंगा। कहते 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? कहते मेरी बेटी इंडिया में पढ़ रही है और थोड़े बहुत छोटे मोटे काम है, सबसे फारग होकर मैं 6 महीने के बाद आया हूँ। ये उसकी प्लानिंग थी। लेकिन उसके घर में कुछ अतिथि आए थे बाहर से, उनको एयरपोर्ट पर वो छोड़ने गया, उनको विदा करने के लिए, साथ में अपनी भी विदाई वहाँ हो गई। क्या हुआ? एयरपोर्ट में उसको हार्ट अटैक हुआ, वहीं मृत्यु हो गई। ये सत्य घटना। वो 6 महीने की प्लानिंग कर रहा, लेकिन उसको 2-3 दिन का पता नहीं। हम सब की ऐसी हालत है। तो हमें स्वतंत्र नहीं रहना, हमें भगवान पर निर्भर रहना है। भगवान पर निर्भर रहने से पहले उनके भक्तों के चरणों पर निर्भर रहना है, और फिर धीरे धीरे भगवान के चरणों में आना है। भगवान यही कह रहे हैं गीता में, मेरे प्रति तुम समर्पित हो जाओ। जब भगवान के चरण में समर्पित हो जाएंगे, हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। अभी जैसे कल के प्रसंग में नरसिंह मेहता जी की कथा चल रही थी, बड़ी लंबी कथा है उनकी, बड़ी सुंदर कथा। नरसिंह मेहता जी जो अछूत जिन्हें हम कहते हैं, एक अंतज, उन्होंने, उसने बोला महाराज मेरे घर में मैंने एकादशी का जागरण रखा है, आप पधारो। तो कहते आएंगे, वो आए, गए, सारी रात जागरण ना किया उन्होंने। और सुबह जब घर में आए तो उनकी पत्नी जो थी, बड़ी देवी माता थी वो भी, मानक गौरी उस माता का नाम था। वो साधु संतों की सेवा में उनकी मदद करती थी और घर का बड़ा ध्यान रखती थी, बड़ी देवी थी वो। उसको बड़ा बुखार है, बहुत बुखार हो गया द्वादशी के दिन, एकादशी की रात को जाकर बड़ा बुखार है, तो अचेत सी पड़ी हुई है। आई, जब पति उसका आया, अपना नरसिंह मेहता जी आए, उसके आंखें खोल के दर्शन किया और शरीर छोड़ दिया माता ने। तो नरसिंह मेहता जी गुजराती भाषा में, जब किसी की पत्नी चली जाए कितना दुख होता है, परेशानी होती है। पहले तो सोचने लगे साधु संतों की सेवा ये इतनी करती थी, पर अभी ये भगवान के धाम में चली गई, ये शरीर तो अनित्य है,
नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, इसमें दुख की क्या बात है। गुजराती भाषा में कहा, भलू थयो भांगी जंजाल, सुख से भसु श्री गोपाल, जंजाल खत्म हुआ, आराम से मैं भगवान का भजन करूंगा। तो उनके पुत्र थे श्यामलाल, उनका भी ध्यान तो हो गया, लेकिन प्रभु की इच्छा है। जब हम उन पर निर्भर हो जाते हैं तो ये सुख दुख हमको नहीं व्यापते। अभी हम दुखी क्यों हो जाते हैं, दुख में दुखी सुख में सुखी, क्योंकि हम मानसिक स्तर पर हैं। नरसिंह मेहता जी के जीवन की बहुत सारी दिव्य वर्णन आता है, 52 बार भगवान ने उनको दर्शन दिए साक्षात आकर, 52 बार भगवान आए। भगवान ने उनके लड़के की शादी भी भगवान ने की, रुक्मणी और द्वारकाधीश दोनों ने आकर के, और सभी देवी देवता, जहाँ भगवान है तो बरात में के सारा प्रबंध किया। ऐसे वर्णन आ रहा है, 52 बार भगवान आए उनके लिए। वो जब उनके बेटे के शादी का दिन आ गया निकट, लेकिन वो अपने भजन में लगे, भजन करते हैं नरसिंह मेहता जी, कीर्तन भजन, ये वर्णन आ रहा है। तो भगवान को चिंता होगी, मेरा भक्त मेरे भजन में लगा रहता है। देखो भगवान अपने भक्त की कितनी चिंता करते हैं, और शादी आ रही है तो भगवान आ गए, रुक्मिणी जी को भी साथ ले आए, सारा प्रबंध किया शादी का, और नरसिंह मेहता जी को कोई चिंता नहीं अपने बेटे की शादी की, उनको चिंता बस सारी चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अभी बरात जानी है, वो भजन में लगे, तो भगवान कहते हैं नरसिंह जी चलो बरात में, कहते मैं क्या करूँगा जाकर, कहते नहीं बरात में तो चलना पड़ेगा, जबरदस्ती ले गए भगवानों को। जब वो गए उधर बरात गई, तो वहाँ पर भी नरसिंह जी भजन कीर्तन लगे, हर समय भगवान का ध्यान। तो एक शब्द भगवान ने गीता में कहे, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक सतत मेरा भजन कर लेते, सततम, तो मैं क्या करता हूँ, उसको बुद्धि देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ, अकल देता हूँ, अभी ये तुम्हें करना है, ये नहीं करना है, ये तेरे लिए ठीक है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। जब हम ठीक बात काम करेंगे तो कृष्ण कृपा से बुद्धि योग जब हमको मिलेगा तो हम भगवान के निकट आते जाएंगे। ये मैं कई बार कहता हूँ, भगवान ने भी कहा है, क्योंकि मृत्यु के निकट तो हम आ ही रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, आप सब भी आ रहे हैं, कोई इससे बच नहीं सकता, लेकिन भगवान के निकट आने का हम लोगों को प्रयास करना है, भक्ति करनी है, ये संदेश है। क्योंकि हम लोग भगवान से दूर इसलिए हुए कि हमने भगवान से अलग रहकर सुख भोगना चाहा। कृष्ण भूलिया जीव भोग भमसा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया तरे। जीव भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहता है और वो माया की चपेट में आ जाता है। जो भगवान की शरण में रहता है वो राधा रानी की शरण में है, राधा रानी उनका ध्यान करती हैं, और जो भगवान को छोड़ देता है उसका ध्यान भगवान की माया करती हैं। दोनों स्त्री हैं, माया दंड देती है और जीव को, क्योंकि भगवान से अलग हो गया, भगवान को छोड़ दिया उसने। और जब भगवान की जो शरण है, जैसे गीता में भगवान ने कहा, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति माशता भजन्ते अनन्य मनसो गत्वाभूतादि मभ्यम। जो महात्मा हैं मेरी देवी प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, यानी कि राधा जी के अधीन, राधा जी उनका ध्यान करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उनकी भक्ति बढ़ाती हैं।
तो हम लोगों को देवी प्रकृति के अधीन होना है, अपनी भक्ति को बढ़ाना है, बस मन बनाओ। क्योंकि अगर हम मन नहीं बनाते कृष्ण की शरण में आने का, भक्ति करने का, तो भाई बड़े कष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं। संसार के जाते समय कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई हमारा सहयोग नहीं कर सकता। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले ये क्या सहयोग करेंगे, ये शरीर भी धोखा दे देगा, ये भी शमशान की अमानत है, ये शरीर भी साथ नहीं देगा, फिर कौन साथ देगा। साथ तो देने वाले भगवान हैं बस। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्ये मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक की शरण में आ जा। एक कम कहा भगवान ने, और किसी की शरण में, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। लेकिन मन हमारा इतना मलिन हो चुका है, हम इतने पतित हो चुके हैं कि भगवान की शरण में नहीं आते हम लोग। और याद रखो भगवान की शरण में आए बिन सुखरूपी सवेरा नहीं हो सकता। कृष्ण की शरण में आने से ही सुखी होंगे, याद रखो। माया की शरण में रहने से सुखी नहीं होंगे, माया की शरण में रहने से बहुत दुखी होंगे। एक बात और नरसिंह जी के जीवन में आई है, बहुत सारी बातें आई हैं, बड़ा लंबा चरित्र है उनका, कोई 48 पेज का है मेरे ख्याल में। उसमें प्रियादास जी जो हमारी संप्रदाय के आचार्य थे वो बता रहे हैं, नाभा जी महाराज ने ये भक्तमाल लिखा, भक्तों के जीवन लिखे, वो बता रहे हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उसके पास बड़ी धन संपत्ति है वो भी छीन लेते हैं। अगर वो मोह माया में है उसकी माया को, मोह माया को हटा लेते हैं। ये भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसा करते हैं। एक उदाहरण दिया है बड़ा सुंदर, बच्चा मां का रोने लगता है, बच्चा जब रोने लगता तो माँ उसको गोद में नहीं लेना चाहती, वो क्या करती है उसके हाथ में एक खिलौना दे देती है, जो बजने वाला खिलौना। बच्चा उसको पकड़ कर हिला कर हिलाता हुआ माँ को भूल जाता है, रोना बंद कर देता है। अगर भगवान जिसको, अगर माँ जब गोद में लेना चाहेगी बच्चे को, बड़ी विचारने की बात है, खिलौना उसके हाथ से छुड़ा कर नीचे रख देगी। इसी प्रकार श्री कृष्ण जब हमको अपनाना चाहते हैं, ये माया रूपी खिलौना हमारे हाथ से ले लेते हैं, ये छुड़ा देते हैं, और भक्त इसी में खुश सुखी मानते, सुख मानते हैं। कभी भक्त को कोई दुख लगता है ना, वो दुखी नहीं होते। भक्त क्या सोचते हैं, हे भगवान मैंने तो बड़ा दुखी होना था लेकिन आपने मेरे दुख को कम कर दिया, ये आपकी कृपा है। भक्त दुख को भी भगवान की कृपा मानता है। इसलिए भक्ति ही जीवन है, भक्ति करनी है हमने भगवान की, भगवान की शरण में आना है, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते, मानसिक स्तर पर रहते हैं, मन हमारा मलिन है, ये हमको भटकाता रहता है। कभी कहता है ये ठीक नहीं है, कभी कहता ये ठीक नहीं है, कभी कहता ये करो, पर कहता क्यों किया मन, इसका काम है भोग त्याग, संकल्प विकल्प।
तो इस बहुत बड़े शत्रु को भी समझो, मन को समझो और प्रयास में लग जाओ बस श्री कृष्ण की शरण में आने का। अगर कोई कष्ट आते हैं तो उसको कृष्ण की कृपा समझो, मेरे दोष हैं कुछ उनको भगवान निकाल रहे हैं। कष्ट तो सभी को आते हैं, ये संसार ही दुखों का घर है, लेकिन जब भक्तों को कष्ट आते हैं ना तो भक्त उसको भगवान की दया समझता है। भगवान कष्ट को अपना भक्त कष्ट को कष्ट नहीं मानता। नरसिंह मेहता जी का बेटा भी चला गया, उनको इतना ही समय था, इसका पत्नी चली गई, लोगों ने बड़े कष्ट दिए उनको, लेकिन वो सब सहन किए, क्योंकि जो भक्त नहीं है उनको भक्त अच्छे नहीं लगते। इनकी जो बरादरी थी, इन्होंने जब एक अछूत के घर में प्रोग्राम किया, बोला ये तो ये ब्राह्मण परिवार, नागर ब्राह्मण गुजरात में जूनागढ़ एक जगह है, वहाँ से थे, तो इन्होंने एक अछूत था बेचारा, उसने बुलाया, एक अच्छे का कीर्तन रखा, आप पधारिए। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तो कीर्तन कर रहे हो, हम जरूर आएंगे, आएंगे। सारे रात जागरण ना किया, इनकी ब्राह्मण बरादरी ने इनको अपनी बरादरी से निकाल दिया, इनने कोई चिंता नहीं। फिर एक कोई घटना घटी, उसमें सारी ब्राह्मण बरादरी को भोजन के लिए बुलाया, इनकी बरादरी को किसी दूसरे ब्राह्मण ने। तो भगवान का अगर आप अपमान करें ना, वो सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्तों का अपमान भगवान सहन नहीं करते। सारी बरादरी बैठ गई भोजन करने के लिए, उन सबको अपने साथ बैठा हुआ एक अछूत दिखे, अंतज छूत बैठा हुआ दिखे, सब कहने लगे कि हम तो अशुद्ध हो गए, हमारे साथ देखो अछूत बैठा हुआ है। उनमें से एक समझदार था, बोला भाई ये तो बताने वाले कह रहे हमें तो कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि उन्होंने उनका तिरस्कार किया, तो ये कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला की, हर व्यक्ति के साथ एक एक अछूत को बिठा दिया। एक कहता देखो आपने नरसिंह जी को बरादरी से निकाला है, इसलिए ये आपके साथ हो रहा है, इसलिए उनको भक्त अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है, उनको बुलाकर उनके श्री चरणों में क्षमा करो, याचना करो, जब ऐसा किया तुमने बुरा नहीं बनाया, इन लोगों ने मेरे को त्याग, आगे बेचारे खाने के लिए बैठे, कोई अछूत नहीं है, भगवान ने जो है सब ठीक कर दिया। तो भगवान सदा भक्तों के साथ रहते हैं, हमने भक्त बनना है बस और कुछ नहीं। भगवान ने गीता में यही कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा, यानी कि निष्काम सेवा भक्ति के द्वारा ही जाना जाता हूँ, और कोई रास्ता मेरे को जानने का नहीं है। इसलिए सभी आप भक्ति में लगो, बच्चे बड़े माताएं, और जीवन को सफल करो। बड़ी परीक्षा में बैठने का समय संसार से जाने का। एक शब्द आते हैं बंगला भाषा में, भजन करो पूजन करो मत जाने है, भजन करो पूजन, उसकी परीक्षा कब होगी, जब संसार में जाना होगा अंतिम समय में। अंतिम समय में उसकी परीक्षा होगी। परीक्षा अगर उस समय हम भगवान की शरण में नहीं होंगे, अगर हम भक्त नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगा बड़ा। कोई हमारा सहयोग नहीं करेगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, और यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे और हालत खराब हो जाएगी।
अपनी हालत को अच्छा करने के लिए अभी से कृष्ण की शरण में आना है और भक्ति करनी है और अंतिम समय का सदा चिंतन करना है। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में नहीं आता, क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं। भगवान कहते हैं उसके लिए मैं मृत्यु बन के आता हूँ, मृत्यु सर्वस हरस्यम, मृत्यु बन के आता हूँ, सब कुछ हरण कर लेता हूँ। एक दिन मृत्यु के रूप में भगवान हरण कर लें, खुद ही उनकी शरण में आके अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास कोई प्रश्न नहीं आ रहा आजकल? देखा तो नहीं अपना मोबाइल? कोई प्रश्न आप में से किसी को, किसी माता को या किसी भक्त को? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बोल दिया करो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की।